गांव सलेमगढ़ में सोमवार को एक मकान में छोटा सिलेंडर गैस लीक होने के बाद फट गया। इसमें दो परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। दंपत्ति की हालत चिंताजनक होने पर एम्स में रेफर कर दिया गया, जबकि 3 पीड़ितों को कैमरे रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ग्रामीणों के अनुसार निहाल सिंह जांगड़ा का मकान है। इनके मकान के बाहरी कमरे में 5 किलो का छोटा गैस सिलेंडर रखा था। अचानक उससे गैस लीक होने पर आग लग गई। परिवार ने शोर मचाना शुरू किया तो पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया और अचानक से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इनमें से 3 सहित निहाल सिंह का पुत्र कुलदीप उर्फ बिल्लू व पुत्र वधु मीरा बुरी तरह से झुलस गए। ग्रामीणों ने बताया कि मकान में नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जिंदगियां खतरे में होने से गांव में मायूसी है। इस घटना का पता चलते ही सदर थाना से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दुखद घटना के बाद सिटी बिग न्यूज़ आमजन से यही अपील करता है कि आप लोग भी अगर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के बाद गैस को अच्छे से बंद कर दें, ताकि इस तरीके के हादसों से बचा जाए।